नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको घेर वाला डिवाइडर प्लाजो बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। कपड़े को खोलेंगे पहले। कुछ इस तरह ये कपड़ा है और ये डबल में है। ये देखिए, ये कपड़ा डबल में है और चारों तरफ से खुला हुआ है। एक के ऊपर दूसरा रख लेंगे। लंबाई और चौड़ाई दोनों देख लेते हैं। 36 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। डबल में है दोनों कपड़े। एक के ऊपर एक रख लिया है मैंने। अब इसको फोर फोल्ड में करेंगे। फोर फोल्ड में हो गया, फिर इसको एक बार और करेंगे। अब इसकी नाप लेंगे। 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी मैं और इधर भी 2.5 इंच पे लगा लूंगी। अब क्या करेंगे, दोनों निशानों को मिला लेंगे। ये दोनों निशानों को मिला लिया है मैंने और अब कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो बंद हिस्से हैं इनको भी खोल लेंगे। ये तो खुले हुए हैं और ये बंद है, इनको खोल लेंगे दोनों तरफ से। ये मैंने कट कर लिया है दोनों तरफ से। ये मैंने कलियां पूरी खोल ली है, इनको ऐसे सिलाई करनी है। और ये दूसरा पार्ट्स है, इसको भी ऐसे ही खोल लेंगे। खोल के ऐसे ही जोड़ना है। ये देखिए, ये मैंने कलियां सारी जोड़ ली है। ये एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये है, ये भी मैंने जोड़ लिया है। अब दोनों को इसको सीधा रखेंगे, इसके ऊपर ये उल्टा रख लेंगे। दोनों को इस तरह बिल्कुल बराबर कर लेंगे। दोनों हिस्सों को मैंने बराबर कर लिया है। अब इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर आसन कट करेंगे। पहले आसन की लंबाई और चौड़ाई दोनों देख लेते हैं। यहाँ पर आसन की 4.5 इंच लंबाई लूंगी मैं। 4.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है। और चौड़ाई लेंगे 2 इंच। 2 इंच चौड़ाई लूंगी मैं। यहाँ पे निशान लगा लिया है मैंने 2 इंच पे। अब ये बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिया है मैंने और आसन की गोलाई दे देंगे यहाँ पे। ये गोलाई दे दी है मैंने, इसको कट कर लेंगे। मैंने दोनों तरफ कट कर लिया है। अब दोनों हिस्सों को ऐसा करेंगे और ये वाली सिलाई कर लेंगे। ये दोनों तरफ आसन की मैंने सिलाई कर ली है दोनों तरफ। अब कपड़े को ऐसे करेंगे, ऐसे करके, और ये वाली सिलाई कर लेंगे। तो सीधा करके अच्छी तरह से और ये वाली सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, ये वाली सिलाई मैंने कर ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेफा लगा के और फिर लास्टिक डालेंगे। मैं 10 इंच के हिसाब से लिए हूँ कपड़ा। 20 इंच की कमर है तो इसको डबल में कर लिया है मैंने। ये जो कपड़ा है
ये नेफा, इसमें नेफा लगाएंगे। और जो ये कपड़ा है इसमें छोटी छोटी चुनर एक एक कले में छोटी छोटी चुनर डाल लेंगे और ये नेफा अटैच कर लेंगे और फिर लास्टिक डालेंगे। ये मैंने नेफा लगा लिया है इसके, और रबर डालने के लिए ये जगह छोड़ी है मैंने, इसमें से लास्टिक डालेंगे। और जो ये नेफा है इससे 4 इंच कम लेंगे लास्टिक, देखिए इससे मैंने 4 इंच कम लिया है। लास्टिक को ऐसे पिन में खोएंगे और इस तरह लास्टिक डालेंगे। ये मैंने लास्टिक डाल लिया है। अभी लास्टिक के दोनों मुंह लेंगे और इस तरह रख के यहाँ सिलाई कर देंगे और इसको अंदर डाल के, और ये जो सिलाई छोड़ी थी अपन ने ये सिलाई भी कर लेंगे। पहले ये वाली सिलाई कर लेते हैं फिर इसको। ये मैंने लास्टिक डाल लिया है इसमें, ये देखिए। और ये जो सिलाई खुली थी वो भी बंद कर ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह गोट लगाएंगे, पूरी में लगा देंगे ये वाली गोट। ये देखिए ये मैंने गोट लगा ली है दोनों तरफ। अब इसको सीधा करेंगे, देखिए कितना अच्छा डिवाइडर बन के तैयार हुआ है। देखिए इसका घेर, देखिए एक तरफ से कितना घेर है। ये देखिए सेम आप यही प्रोसेस बड़े कपड़े में भी कर सकते हो, बड़ी बच्चियों के लिए कर सकते हो। ये मैंने छोटी बच्ची के लिए बनाया है। ये देखिए ये एक पैर का घेर है। ये देखिए इस तरह आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।